दोस्तों, क्या हालचाल आपके? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं जी मस्ती कर रहा हूँ। सो गाइस, आज का सीन कुछ ऐसा है कि हम कर रहे हैं मतलब घर के सामने जूस की दुकान। यहाँ पर क्या सीन होगा कि मतलब सेटअप तैयार होगा और जो भी उसका टीवी का जो बननी है, मतलब एक वो बना रहे हैं छोटा सा कमरा। दिखाते हैं कैसा कमरा बनाएंगे, थोड़ा सा यूनिक बनाएंगे। तो उस कमरे का सामान आने वाला है, मतलब पता नहीं क्या सीन बनेगा। मतलब कुछ सोच तो रखा है माइंड में, बट उसको जब हम जो बनाने वाला है उसके सामने रखेंगे तब देखते हैं क्या निकलता है। सोचा हुआ है कुछ अच्छा सा सुंदर सा बनाने के लिए, तो उसको बनवाएंगे। फिर वहाँ पर जूस मिलेगा सबको, जो हमारे जिम वाले भाई है वो भी, जो बाकी है वो अदर्स भी है वो भी। गर्मियों का सीज़न है तो सोचा ट्राई कर लेते हैं। तो इसमें जो मतलब कारीगर चाहिए होता है और एक दो चीज़ें होती हैं वो हमारे पास अवेलेबल हो चुकी हैं। तो हम बिल्कुल घर के जस्ट सामने ही, जहाँ पर हमारा मतलब अभी बोर्ड वगैरह लगे हैं, उसके हम सामने लगा रहे हैं ये काम। मैं दिखाता हूँ जगह भी कहाँ बनेगी। और जो उसका सामान है लोहे का, वो आने वाला है अभी 2 मिनट में। तो अभी सामान लेते हैं और फिर चलते हैं, उसकी प्रिपरेशन कराते हैं। कल आएगा जो भाई उसको बनाएगा, वो 2 दिन में बना के रेडी कर देगा, तो हम दिखाएंगे कि क्या था और कैसे क्या बना। ठीक है, तो शायद इस ब्लॉग में ऐड करूँ मैं वो वाला सीन, या अगले में करूँ वो आज के ब्लॉग के ऊपर डिपेंड करेगा कितना बड़ा बनता है ये वाला। तो अभी चलते हैं और सबसे पहले सामान लेते हैं, क्योंकि सामान भाई लेके आने वाले हैं। मैं जस्ट सो कर उठा हूँ और जो बच्चे हैं वो सामान लेकर पहुँचने वाले हैं, मतलब उन्होंने सामान करा लिया। सामान लेने के बाद में वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं 2 मिनट बाद। तो सबसे पहले अपना सामान लेते हैं। ठीक है भाई, हमारा आएगा जूस का सामान ये पड़ा। ठीक है भाई, यार चलो करवा खड़ा है रिक्शा वाला। जय बापा की। ये गया गांधी को रोक नहीं रहा बिल्कुल भी, तो ना मोटा वाला छाप दिया बढ़िया जी एकदम। लो फिर ये अपने आप को पकड़ो मेहनत के। चलो जी, हमने अपनी तरफ तो बढ़िया खोला जी बिल्कुल। अच्छा जी, सही बात। अरे इसमें क्या करो था भाई, हैं किसी दूसरा काम हो रहा है। तो भाई ये भाई पाइप कोई पे मेरे पड़े, यहाँ लगवाएंगे। बड़ा का कैसा उसका स्ट्रक्चर मेरे माइंड में, अभी उसको बताऊंगा भाई को। इंदा कनेक्शन जाएगा घर वालों के साथ, बहस चल रही इस बात के ऊपर, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर बन गया भाई, अब देखते हैं इसमें क्या होगा। जैसे कंप्लीट बन जाएगा हम आपको दिखाएंगे क्या सीना क्या नहीं। अभी तो ये है, बनने के बाद में क्या होगा इसमें वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, हमारे इस पर काम ये हो चुका है इतना, यहाँ तक छत वगैरह डल चुकी है। चल चल, हाँ चल, नवीन भाई आइए देखो, यहाँ आते ही फैल गए। क्या खाया तुमने? नवीन ना समोसा खाता है ठंडा पीता, एक गिलास पानी लेगा बस, पानी लेगा भाई। ये सब दिक्कत है, डॉक्टर मना करके जाओ। मेरा तो कब्ज हो रही है, नहीं तेरा बंदा ना, मेरे तो सब खुले छोटी छोटी भाई। अब हम आगे अपनी मिक्सी लेने के लिए रुड़की रिलायंस डिजिटल स्टोर के पास जा रहे हैं फिलहाल। वहाँ देखते हैं क्या सीन है, कभी आराम से चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। हमें लास्ट में सहारनपुर आना पड़ा है क्योंकि रुड़की नहीं मिली, डिजिटल वाले में कहते वहाँ नहीं मिली। अब आ गए हम सहारनपुर ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी मार्केट है, तो यहाँ तो मिल ही जाएगी। दुकान के बाहर खड़े भी हम एक, अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ पर क्या सीन है, कैसी मिक्सी मिलती है। ओके सरदार साहब, ठीक ठाक घर परिवार हो? अब मार तो नवेरी खेल रहे हैं, माँ क्या रुपये कमाई इतनी। अरे आप 1000 का नोट दे देता हूँ, नोट कर रहा है अर्ध कदे 700 कमाई कमाई हमारी को देने पड़े वाला, सारी कमाई 700-800 रुपये
हमारी को क्या रुपए जा अपनी रखी है एक दिन के अगर मैं ले लू ना मेरे चल सवा ना तो यार हम कैसा अमीर बना हमारा जीवन कैसा गरीबी में रहेगा क्या है देख ला मेरे तो मना करना होगा मेरी चलने की रिक्शा मन तोड़ रहा है पहले मेरे काम का हम ये दस 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 की रिक्शा चला था 300 रुपए जगह देगी अब करते क्या दो रिक्शा ले लिए तो एक 300 रुपए देगी तो 3000 रुपये हो गए नहीं आवांगे खर्चा खुर्चा ये इसका कितना बैठा का वो इन्होंने ना गरीबी नहीं देखी रिश्तेदार ही है बड़े सारे इन्होंने पता कैसा कमाई जा आधे बुलाना पड़ो पटाना पड़ो जब जाग काम चलो करना पड़ो ये सब हेलो गाइस तो भाई हमें फिलहाल साढ़ापुर मार्केट जा रहे हैं ई रिक्शा में बैठ के मौसम बहुत अच्छा हो रहा है भाई हमारे साथ है बाकी ये देखो आप यहाँ साढ़ापुर बाजार भीड़ बहुत ज़्यादा है यार बहुत गंदा क्राउड है अल्लाह समझ रहा है मैं तेरी फीलिंग पूरी हमारा भी भाई होल सेल का काम हमारा प्रोटीन का बस तो भाई यहाँ मिले हमें गिलास गुलूस अपने गिलास चक्कू पक्कू बोतल हमें यहाँ मिले दुकान पर ये बैठे रिश्तेदार ठीक है रात हो चुकी है मैं साढ़ापुर में और रात का जो मौसम है एक नंबर हो रहा है भीड़ हो रही है अच्छी हनुमान मंदिर है सामने और सामने हनुमान मंदिर है मैं दिखाता हूँ पहले ही देखो ये बोलो बजरंग बली की जय ए लक्सर लक्सर बात हो ना हो अगर बाहर आ जाओ तो आदमी खुल कर जी सको अपना ना किसी की शर्म ना कुछ जो देख रहा है वो देख रहा है अपना जीवन में कुछ भी घूमते रहो चिल्लाओ चिल्लाओ कुछ भी करते रहो कोई टोकने वाला नहीं कोई कहने सुनने वाला नहीं ये अभी हो बस जेल का हम झटका दे रहा हाँ नहीं तो आप तो झेल लो खराब ब्रेक मार के भैया हाँ अच्छा इसके ब्रेक भी लगने रिश्तेदार ये खराब चीज़ है तो भाई अब चलते हैं कुछ खाते पीते हमारा भूख लग रही है आ रहे बच्चे भूखे बल डे रहे सामान सारा ले लिया पैसा पैसा नु लगाया पानी लगाया पर इसको डरी गई एक बार को तो लगाया वो पड़ के दिक्कत भाई सामान देखो भाई का आत्मा हमारे आत्मा गाड़ी भरी पड़ी पूरा खड़ा पता लगाया दे पैसा ठीक है भाई तो अब अपनी गाड़ी के पास चलते शर्म गलत शर्म है अगले ने चौमिन दे दी इसका मतलब थोड़ी हस की बजे देख क्या कर दिया इसका भी ये हाँ बिरादरी में नाक ही कटवाए अच्छा ये कहाँ दिख गया सूरज ले भाई मोमो ले ये भी रेट टू रेट है जी सब क्या सिस्टम है क्या पैसे का 1600 का मार तो फादर साहब भी नुकाया गया इतने में तो मेरा जुड़ी बनाओ बेटे कुर्ता सिलवाओगे अरे फादर साहब नुकाया गया मैं चप्पल टूटी हुई ले गई तेरे को ले चला लो है नहीं भाई अब हम आ चुके हैं रोड की और हमने कुछ लोग ये देखा भाई हमने कुछ लोअर टी शर्ट ली है और लोअर टी शर्ट हमारी थोड़ी महंगी पड़ गई है तो अब हम लास्ट हम जा रहे थे पेंडिंग था ये मक्के का ये ले रहे हैं रुड़की से भाई साहब को छोड़ दिया और सहारनपुर के जो सामान था वो हमने अच्छे से ले लिया सारा कुछ भाई देख लो भाई जोर से बैठे लगा अब घर वालों के फोन आ रहे हैं निकलते हैं यहाँ से रुकी से घर सीधा भाई का एक लास्ट सामान है टप का और बाल्टी का ये करा के क्लियर बड़ी क्वालिटी होगी हमारी जूस की जो दुकान है उसका काम सारा कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट एक दो सामान पेंडिंग रहेगा वो कल ले लेंगे और अक्सर मिल जाएगा बाकी जो यहाँ का सामान था वो सारा हो चुका है तो यहाँ से सीधा चलते हैं 2 मिनट बाद घर और वहाँ पर जा करके दिखाता हूँ कि जूस की दुकान है उसका काम कितना कंप्लीट हो चुका है ओके बाय बाय तो आज जी ऐसा फॉलो कर दो जी जीरो कर का बिल्कुल तो एक कभी आ जाएगा बड़े तो अंडे बढ़ तो रे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे भाई साहब 32-28 पहुंच गई अगर इतनी इतनी स्पीड तो मैं पैसे कमाया कर इतनी स्पीड तो बढ़ रहा है
मेरी स्पीड यही होनी चाहिए, हर मिनट कितने पैसे हो मेरे, सेकंड दो माओ मेरे पे ऐसे पैसा, जब तो मेरी जिंदगी कामयाब। मगर ऐसा जा रहे तो मुझे सड़क सड़क पर रेडी पेडी लगनी पड़ेगी, मुझे लग रहा है डक चार में मारेगी भाई, कट में रहता तो बता कितने मारेगी तेरे भैया, मेरे तो 4000 रुपये कट मार देगी 100% देख ले तू तो, बेशरम हो रही भाई। चल तू बता था बोले बाहर तो नहीं आया भाई, बाहर आएगा भाई, बाहर आएगा सिस्टम यार। एक सेकंड, एक सेकंड।